अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे हॉट विंग्स। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। हमें चिकन चाहिए, इसको मैंने कट लगा लिया है। और एक चम्मच हमें दादी मिर्च और एक चम्मच नमक, और ये हमारे पास है 2 से 3 चम्मच दही, और ये हमारे पास है 2 अदद लीमू, और ये मेरे पास है लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। बस दही है, हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ये जो हमारे पास मैंने मिर्च रखी है, ये हम इसमें डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चलो, ये जो हमने इसको ग्राइंड किया था, ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये हमने दही इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये जो हमारे पास पेस्ट है, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। ये जो हमारे पास, इसको हमने इसको अच्छे से इस पर अप्लाई करने के बाद, ये जो हमारे पास लीमू के पीस है, इसमें से बीज हमने निकाल देने हैं और इसके ऊपर अच्छे से हमने ये लगा देना है। लीमू के आप बीज निकाल दें और इसको इसके ऊपर डाल दें। अभी हम इसके भी बीज निकाल देंगे। मसाले को हमने अच्छे तरीके से इस पर अप्लाई कर दिया है। अब तकरीबन हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा मज़ेदार। ओके गाइस, मसाला हमारा रेडी हो गया है। 1 घंटे बाद ये अच्छे से इसके अंदर जज़्ब हो गया। ये हमने आँच जला ली है, घी ऐड करेंगे, ऑयल घी जो भी आप यूज़ करते हो। हमने इसको डीप फ्राई करना है, इसलिए हमें ज़्यादा चाहिए। ऑयल हमने इसके अंदर डाल लिया। अब हम, ये हमारे पास है मैदा, इसको हम एक प्लेट में डाल लेंगे। डालने के बाद ये देखेंगे, हम एक एक पीस को उठा के इसमें अप्लाई करेंगे अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से जज्ब करने के बाद इसको ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए, हम इसको अब हम इसको फ्राई होने देंगे। जितनी हमारे पास गुंजाइश है उतनी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इसको फ्राई करना है हमने, और थोड़ी सी एक साइड इसकी ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको पलटेंगे। देखें गाइस, ये देखें गाइस, अब हम इसको पलटेंगे। जो हमें लग रहा है थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं, उनको हम पलट देंगे। लाइट ब्राउन ही होते हैं ये, लेकिन हम इसको स्लो आंच पे ही बनाएंगे और जैसे जैसे जो बनता जा रहा उसको पलटते जाएंगे। जो हमें फ्राई हो रहे लग रहे हैं उनको हम रिसोल्व कर लेते हैं। देखें, मार्केट की है जैसे, वैसी सेम वैसी लुक इसकी नज़र आ रही है। तो देखिए, हमने इसको कुछ भी अप्लाई नहीं किया मैदे के अलावा। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। अब हम जैसे जैसे हमारे फ्राई हो रहे हैं हम इनको डिश आउट करते हैं। ये हमारा अलग चीज है, इसको आप जोर से पलटें और इसको अच्छे से फ्राई होने दें। ये देखो नाजरीन, ये भी हमारा हो गया है। अब हम इसको अच्छे से निकालेंगे। जैसे जैसे हमारे फ्राई हो रहे हैं वैसे वैसे हम इनको निकाल देंगे। गाइस, हॉट विंग्स हमारे रेडी हैं, इंतहाई मज़े के और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा। देखिए, आप इसको खाएंगे तो टेस्ट में भी वही जो बाज़ार का टेस्ट है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दवाओं में याद रखिएगा।